सो गाइस मेरी बहन जो बीज लेके आई है और ये हैं धनिया के बीज और बाकी ये बीज सारे सीजनल हैं। भिंडी हमारी भी अब ये चुकना कह रही है इस क्रेट में लगाने, ये भी चढ़ खड़ सो रंबा भी। तो गाइस ये है हमारी क्रेट जैसा कि आप देख रहे हैं और ये हम इस क्रेट को करने लगे हैं। तो गाइस हम लोग लगाने लगे हैं सीजनल धनिया जो है वो, एक दफ़ा वो देखें ये धनिया जो है ना इसके बीज वगैरह ऊपर लग चुके हैं, वो बीज ही होते हैं ना ऊपर जो है, तो अब ये निसर चुका है तो अब दोबारा से हम लोग धनिया लगा लेंगे क्योंकि फ्रेश खाएंगे। तो सबसे पहले मेरी बहन ने एक क्रेट ली है बाजार से, बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये नीचे क्या रखा है? मट्टी जो है ना वो गुनगुनी मट्टी, कंपोस्ट जो है वो भी यूज करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि धनिया कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कंपोस्ट थोड़ी कोई सीड है जो जिससे कंपोस्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपने लगानी हो ना इस साइड मट्टी रखे आप सिंपल, फिर थोड़ी सी सॉइल यानी कि रेत और फिर थोड़ी सी आपने कंपोस्ट रखनी है। कंपोस्ट हमारी मैं आपको दिखाऊंगी रेडीमेड कंपोस्ट जो हमारी बनी हुई है, तो ये सब चीज़ें मिक्स करके आपने यहाँ पर भी कंपोस्ट बनी थी, ऊपर से देखिए पत्ते भी गिरे हुए, ये फुल मट्टी नहीं है, तो ये आप लोगों ने जो है वो लगानी। अब ये जो है ना इसमें रेत और मट्टी मिक्स है, तो अब रहेगी हमारी सिर्फ कंपोस्ट, वो भी मैं वहाँ से ला के बीजों मिक्स कर दूंगी, ठीक है, एक साइड पर उसकी जो डेरी लगा दूंगी। और ये आपने फुल भर लेना है और जितना मतलब आप इसको डेप्थ में रखेंगे उतना आपका जो जड़े हैं ना वो उतनी डेप्थ में जाएंगे, उतना बड़ा आपका पौधा होगा या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं ना वो होगी। तो हम लोग ये वैसे तो हमारी जो सब्जियाँ हैं उसमें कौन कौन सब्जी अभी तक हो चुकी है जो हमारे घर में मौजूद है गर्मियों के हिसाब से? भिंडी मौजूद है, भिंडी और बैंगन जो है वो तो जम्मी है, मर्चा टमाटर जो आज हमने लगाने हैं वो हमने लगाना है कद्दू, करेला, ये धनिया, पालक थोड़ी सारी, हाँ। तो उसके अलावा गर्मियों में और कौन कौन सी सब्जियां हम खाएंगे? तोरी, तोरी तो सही लगी, वो भी सत लगी ऐसी साड़ी, तोरी भी दो तरह की हैं, एक थोड़ी देसी है तो एक थोड़ी बलायती है। मेरा दिल है इस बार खीरे भी लगाऊं मैं, तो गाइस मैं मंगवा के वो भी लगाऊंगी। और ये सारी सीजनल है और इनके लिए कोई इतनी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मट्टी आपने डाल दिया, कंपोस्ट है तो कंपोस्ट वेल एंड गुड है वो आप डालें, ये हमारे पास जो है वो सॉइल और मट्टी मिक्स है और कंपोस्ट इसमें डालूंगी और फिर ये हो जाएगी। सो गाइस ये हमारी क्रेट होगी तैयार, इसमें कंपोस्ट भी डाल दिया और मट्टी भी डाल दिया, मेरी बहन जो धनिया कुटेगी, कुटोगी क्यों? कुट के लाने ने कह रही है धनिया कुट के लाना, इसके हाथ में बड़ी, इसके हाथ में बड़ी वो है कैसे उन्होंने बरकत है, जोड़ी चीज़ लानी वो फटाफट हो जानी, माड़े च भी है लेकिन मैं मोबाइल पोड़िया। सो ये इसने कुट लिया है धनिया और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है गाइस लगाने में, ये देखिए मेरी बहन कुट लिया धनिया, कोई नहीं गया ऐसे कुटी कुटी सिफर ना करी छोड़ा नहीं अभी निकलना है चुके सवाल ना। ओके आ जाओ मेरी प्यारी बहन, तो ये इधर ही रख देना ना, क्या जरूरत इसको घर लेके जाने की, चुको ना मैं ओ तक तक रखवाई हूँ पानी नहीं लगना है। अभी इसमें जो है ए सी सदा फेंकने होने गाइस, ये देखे जिसे राना नहीं बोलते राना ये बोलते हैं, पिछली बार मैंने ना एक छोटे पार्ट में डाला था जिसमें वो बेचारा अपनी जड़ें नीचे नहीं लेकर जा रहा था और दैट्स वाई वो जो है वो ख़त्म हो गया था, वो जैसे चल गया था, तो इस बार तो हमने इसको बड़ा जो है वो साइंटिफिकली लिया है गाइस, तो इतनी खुशबू आ रही है मज़े की यू कैन सी इट, फ्रेश लो द फ्रेश खाओ, हाँ हो ये तो हर बार ही हो जाना, पिछला हमारा गाइस वो है, ये भी नहीं कि वो नहीं है, वो देखे पूरा एक जो है ना तकरीबन एक कनाल में हम लोगों ने लगाया था धनिया और पालक वगैरह, तो खैर वो तो अब जो है निसर चुका है और ख़त्म हो चुका है, मतलब उसका दी एंड है, तो अब हम दोबारा से जो है वो लगाने लगे हैं धनिया। मैं तो दिल था मैं तो देखा है लोगों ने रिन्यू किया है धनिया प्याज थूम ये सारी चीज़ें दोबारा उन्होंने लगियाँ फॉर द नेक्स्ट इस सीज़न उस गर्मियों क्योंकि हर चीज़ सुखी है फिर खाने पीने से कख नहीं हो लगा, खसूस जड़ियाँ एलियाँ चीज़ें बाजारों भी नहीं लगनियाँ चूंकि कोई एडा खास था सारा बाजार नहीं ना कि थला बना, हाँ ये तनिया शनिया तो हर चीज़ पालक तनिया हर चीज़ खत्म हो जानी क्योंकि इन्होंने गर्मी तो ही कोई चीज़ होनी ही नहीं, वहाँ मैंने देख देख अच्छा अब इसमें डालना पानी गाइस और पानी भर रही हूँ पानी लेके जा रही हूँ, मेरी बहन कह रही है पानी छिड़काओ, ये कद्दू देखा है इसके बीज निकालूंगी मैं, तरीके से अपने पानी लगा दिया है बीज हमारा ऊपर आ गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मेरी बहन जो छिड़काव कर देगी उसका मट्टी का, ये देखें वन लेयर मट्टी, क्योंकि बीज कुछ पाने का एक वजह ये भी होती है कि कोई परिंदा ना ले जाए, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पर मेरी बहन क्या कर रही हो यार?